स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस लोकप्रिय YouTube चैनल मानविंदर रावत पर। और आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि बृहस्पति ग्रह जो कि सबसे ज्ञानी ग्रह हैं, ज्ञान के कारक होते हैं, आध्यात्म के कारक होते हैं, हमारी जन्म कुंडली में 5 भावों के कारक होते हैं, 2 राशियों के ये स्वामी होते हैं, एट ए टाइम ये जन्म पत्री के अंदर 12 में से 7 भावों को प्रभावित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे ऐसे ही ग्रह बृहस्पति के बारे में आज बात करूँगा, आपको जानकारी दूंगा कि 11 अगस्त से गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं तो ये कैसा प्रभाव आपके लिए देंगे। अभी तक उल्टे चल रहे थे, वक्री चल रहे थे, अब मार्गी हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इनकी गति आगे की तरफ बढ़ेगी। मतलब अभी ये वृश्चिक के अंदर मार्गी हो रहे हैं और नवंबर के महीने में ये धनुमय राशि परिवर्तन करके और नवंबर के महीने में धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे 11 अगस्त से लेकर के। तो ये बहुत अच्छी एक बात है, खुशखबरी है कि अगर ऐसे ग्रह राशि परिवर्तन की तरफ आगे की तरफ जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं शुभ साइन है। और ऐसी कौन सी वो राशियाँ हैं जिनके ऊपर ये विशेष फल अपना प्रदान करेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करूँगा मैं मेष राशि के बारे में। जातकों, आपके लिए जो मार्गी गुरु हैं उनका प्रभाव अष्टम भाव के ऊपर रहेगा। अष्टम भाव आयु का होता है और आयु के भाव के ऊपर इनकी युति रहेगी। तो मेष राशि वालों के लिए कोई ज़्यादा विशेष फलकारी मैं नहीं कह सकता गुरुदेव का मार्गी होना। फलकारी आपके लिए होगा नवंबर से, जब ये आपके भाग्य स्थान के ऊपर आ जाएंगे। भाग्य स्थान पर आने का गुरु का मतलब है भाग्य की वृद्धि करना, इसलिए मेष राशि वालों के लिए कोई बहुत ज़्यादा विशेष परिवर्तन यहाँ पर नहीं कहे जा सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं वृष राशि की। आपके लिए बहुत ही अच्छा है, जो वैवाहिक जीवन में लेके आपको तनाव चल रहा था, मानसिक कष्ट, संतान कष्ट, ये सभी चीज़ें आपकी ठीक होने लगेंगी। और एक सुंदर यहाँ पर सप्तम भाव में वृश्चिक राशि के अंदर गुरु बैठ करके आप लगन को देखेंगे, लगन में इन्हें दिशा बल मिलता है। इसलिए दोस्तों आपके लिए गुरु का मार्गी होना बहुत ही अच्छा है और यह अच्छापन का लाभ आपको उठाना चाहिए। जो लोग अध्यात्म में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए अच्छा है। मिथुन राशि की जो प्लेनेटरी पोजीशन है, इसके स्वामी बुध हो जाते हैं। बुध और गुरु के अंदर सम का व्यवहार रहता है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं व्यवहार होता है। और यहाँ पर मिथुन वालों के लिए जो गुरु की स्थिति रहेगी वो थोड़ी सी फेवरेबल कहूँगा पुलिस केस मुकदमे को लेकर के, अदरवाइज़ कोई ज़्यादा लाभकारी नहीं है। अगर आप इन चीज़ों से परेशानी में चल रहे थे तो इनसे आपको निजात अवश्य मिलेगी, आपके फेवर में चीज़ें होंगी, इसमें कोई दोराय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर छठे भाव के ऊपर गुरु की युति हो जाएगी। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जो दर्शक हैं उनके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है गुरु का मार्गी होना। वो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तक गुरु जब उल्टे चल रहे थे, वक्री होकर के, तो ये अपने शत्रु की ही एक तरीके से राशि का प्रभाव दे रहे थे, पर अब ये सेम वृश्चिक में मार्गी होकर के कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत सुंदर एक ये राजयोग बना देंगे, जिसको त्रिकोण में बैठ करके त्रिकोण के ऊपर इनकी नज़र रहेगी, ये शुभ बात है। पंचम पे बैठे हैं, भाग्य को देखेंगे, लाभ को देखेंगे और लगन को देखेंगे, इसलिए कर्क राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा गुरु का मार्गी होना है। सिंह राशि की यदि मैं बात करूँ तो सिंह वालों के लिए भी यहाँ पर गुरु का जो ये मार्गी होना है बहुत अच्छा है, क्योंकि स्वयं केंद्र के अंदर गुरु आ जाएंगे और लग्नेश के मित्र भी हैं, तो आपके सुख साधनों के लिए, आपके पॉलिटिकल क्षेत्र के लिए और साथ ही साथ आध्यात्मिक चीज़ों के लिए वह कोई नई कार्य की शुरुआत करने के लिए अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों, आपके लिए जो यह स्थिति रहेगी यह कोई ज़्यादा विशेष फलकारी मुझे नहीं दिखाई देती है, क्योंकि थर्ड हाउस में गुरु रहेंगे तो यहाँ गुरु बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे और बुरा भी नहीं देंगे, न्यूट्रल होकर कार्य करेंगे, इसीलिए यहाँ पर डिसीजन बहुत संयम के साथ में और सोच विचार करके करने चाहिए आपको। तुला राशि, तुला राशि के स्वामी यहाँ पर स्वयं शुक्र हो जाते हैं और शुक्र एक ज्ञानी ग्रह हैं। इसके अलावा जो बृहस्पति हैं वो आपके लिए थोड़ा अच्छा रिजल्ट इसलिए यहाँ प्रदान करेंगे, क्योंकि आपकी वाणी स्थान के ऊपर भ्रमण करेंगे, वाणी में शुभता देंगे और वाणी के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। इसलिए जो लोग स्पोक्स पर्सन हैं, वो कॉमेडियन हैं या कोई लिखने का कार्य करते हैं, तो उनके लिए जो ये जो स्थिति रहेगी ये अच्छी है। इनफैक्ट आगे का जो टाइम है आपके लिए वो भी अच्छा आ रहा है। वृश्चिक राशि के हमारे जातकों, आपके लिए मैं ज़्यादा अच्छा इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि आपके स्वयं लगन के अंदर गुरु मार्गी हो रहे हैं
और इनकी दृष्टि जो पड़ेगी नवम रहेगी आपके भाग्य पर, सप्तम रहेगी आपके विवाह स्थान के ऊपर और पंचम दृष्टि रहेगी संतान भाव पर। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का मार्गी होना बहुत ही लाभप्रद स्थिति को यहाँ पर इंकित कर रहा है, क्योंकि स्वयं दिशाबल लेकर के लगन में रहेंगे और अभी तक उल्टे चल रहे थे बारहवें भाव में, अब लगन में आएंगे तो रिजल्ट कुछ और ही प्राप्त होंगे। धनु राशि की जो स्थिति है इसके अंदर गुरु आपके लिए, मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि खर्च स्थान में है तो खर्चों में वृद्धि करेंगे। जो लोग अध्यात्म में विश्वास ज़्यादा रखते हैं तो उनके इन तरफ पैसे खर्च होने का योग बन रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा स्थिति मजबूत बनेगी यहाँ पर। अपनी राशि से बारहवें में गुरु भ्रमण करेंगे। बात करते हैं मकर की। मकर वालों के लिए अच्छा है क्योंकि लाभ स्थान के ऊपर गुरु की युति रहेगी और लाभ में बैठा हुआ ग्रह हमेशा लाभ देता ही देता है, यहाँ पर बृहस्पति लाभ देंगे और लाभ भी शुभ कार्यों से आपको प्राप्त होगा, ये एक अच्छी साइन है आपके लिए। कुंभ राशि और वृश्चिक के बाद कुंभ वालों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन दिखाई देता है, क्योंकि कुंभ लगन वालों के लिए ये दशम भाव में बैठे हैं और मार्गी होकर के दशम भाव में बैठेंगे 11 तारीख से, लगन को देखेंगे और साथ ही साथ में आपके धन को भी देखेंगे। लगन को देखने का मतलब है दशम भाव में बैठे हुए ग्रह का लगन पर प्रभाव, मतलब केंद्रीय प्रभाव बोलते हैं उसको, और फिर धन को भी देखेंगे तो आपको मेहनत से पैसा मिलेगा, जो कर्म आप कर रहे हैं उसका फल आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा, ये एक शुभ साइन कुंभ लगन वालों के लिए बन रहा है। बात करते हैं मीन राशि की। दोस्तों मीन राशि के अंदर भी जो ग्रहों की स्थिति है वह भी फेवरेबल यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये भाग्य स्थान के ऊपर गुरु का भ्रमण होगा मार्गी गुरु का 11 अगस्त से, आपके लिए आपकी लगन को शुभताएं प्रदान करेंगे और आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे, मेहनत से पैसा आपको कमवाएंगे और आपकी बुद्धि भी सही दिशा में कार्य करने लगेगी। अभी तक मीन लगन वाले, मीन राशि वाले बहुत इरिटेटिंग थे, बहुत ज़्यादा क्रोध उनकी वाणी पर छाया हुआ था, ज़रा ज़रा सी बात पे कहीं ना कहीं आग उगलने लगते थे, ऐसी जो स्थिति थी वो मीन लगन वालों की बन रखी थी, पर जैसे ही गुरु यहाँ पर मार्गी होंगे तो इनका जो फल है वो शुभ प्रदान होने लगेगा। दोस्तों यह था गुरु का परिवर्तन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हैं ताकि और लोग इसका लाभ उठा सकें। प्रश्न कुंडली की जो क्लासेस हैं मैं भी शुरू कर रहा हूँ, उसको आप में ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। यदि पूजा पाठ कराना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठित रत्न खरीदना चाहते हैं या बॉम्बे में मिलना चाहते हैं तो आप हमें अवश्य संपर्क करें। नमस्कार।